नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब भी राहु खाना नंबर 12 में होगा। खाना नंबर 12 जो है वो मोक्ष का भाव है, सहन का सुख है और पति पत्नी के संबंधों की स्थिति भी खाना नंबर 12 से देखी जाती है, खर्चा भी यहीं से देखा जाता है। खाना नंबर 12 जो है वो राहु और बृहस्पति दोनों का साझा घर है। इस घर में राहु और बृहस्पति दोनों को ही नीच माना जाता है। खाना नंबर 12 में हैं भले ये राहु और बृहस्पति के घर, लेकिन यहाँ इन दोनों को ही नीच माना जाता है। और लाल किताब के अनुसार इस घर में केतु और शुक्र को उच्च माना जाता है। केतु और शुक्र को इस घर में उच्च माना जाता है और राहु और बृहस्पति यहाँ नीच स्वभाव के माने गए हैं एज़ पर लाल किताब। राहु जब भी खाना नंबर 12 में होगा तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा इंसान पूर्व जन्म की अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस आया। पिछले जन्म में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी या जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं उसको पूरा करने के लिए उसका दोबारा जन्म हुआ। ये राहु 12 के बारे में बोला जाता है। खाना नंबर 12 का राहु उस असर का होगा जैसा उस टेवे में बुध बैठा हो, यानी उस कुंडली में बुध जिस असर का होगा खाना नंबर 12 का राहु भी उसी असर का होगा। अगर कुंडली में बुध खराब बैठा है तो खाना नंबर 12 का राहु भी मंदा या खराब असर का होगा। अगर उस कुंडली में बुध अच्छा है तो राहु भी 12 में अच्छे रिजल्ट देगा। ये खाना नंबर 12 में इस तरह से राहु को देखा जाता है। खाना नंबर 12 में ये संभावना रहती है कि उस इंसान को अपने जीवन में राहु की महादशा मिलती ही मिलती है। और मंदी, जब भी मंदा राहु होता है तब तो उसको ये संभावना बढ़ जाती है कि उसको राहु की महादशा अपने जीवन काल में एक न एक बार भोगनी पड़ती, ये उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और उस दशा में जब भी राहु की दशा चलेगी तो उस दशा में उसका खुद से साक्षात्कार हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि उसका वजूद क्या है और उसका जन्म लेने का अर्थ क्या है, उसका जन्म हुआ क्यों है। ये राहु की दशा में उसका खुद ही उसको पता चल जाता है, क्योंकि राहु से बेहतर टीचर नहीं है। राहु जो अपनी दशा में सिखाता है वो कोई और प्लैनेट, शनि कुछ हद तक सिखाता है, लेकिन राहु जो सिखाता है अपनी दशा में उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। वो इतना मार मार के सिखाता है, जिसने ये दशा भोगी वो खुद जानता है। राहु खाना नंबर 12 के बारे में बोला जाता है कि ऐसा इंसान शेख चिल्ली की तरह बहुत सोचता है। शेख चिल्ली की तरह उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ सपने देखता, प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में कभी नहीं सोचता। सिर्फ सपने देखना, और जब नींद खुलती है तो सारे सपने उसी तरह सपनों की तरह ख़त्म हो जाते हैं और रियलिटी में कुछ होता नहीं है उसके। यानी कुदरत को कुछ और मंजूर होता है खाना नंबर 12 में राहु के वक्त। खाना नंबर 12 में इंसान के खर्चे बहुत होते हैं राहु जब, लेकिन जो खर्चे होंगे वो हाथी की तरह बड़े बड़े ज़रूर होंगे, लेकिन ये खर्चे नेक हालात में परिवार की मदद के लिए होंगे, परिवार पे खर्चे होंगे। ऐसे खर्चे बुआ पे, बेटी पे, बहन पे, इन लोगों पे खर्चे होते हैं। तो बुध की जो आशियाँ हैं, बुध के जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों पे ही राहु नेक के खर्चे हुआ करते हैं। जब खाना नंबर 12 में राहु नेक असर का हो, खाना नंबर 12 में राहु 12 के वक्त जब शुक्र 10 या 11 में बैठ जाए तो ऐसे इंसान की जो इनकम होगी और उसकी जो जमा पूंजी होगी दोनों ही चीज़ें उसके ज़्यादा होंगी, आमदनी भी ज़्यादा होगी और उसकी जमा पूंजी भी ज़्यादा होगी। इसमें हमें बृहस्पति का रोल भी देखना पड़ेगा कि उस कुंडली में बृहस्पति के हालात कैसे हैं आमदनी और जमा को देखने के लिए। एक शुक्र 10th 11th में ये चीज़ है कि उसकी आमदनी और जमा ज़्यादा होते हैं, बृहस्पति के भी हालात वहाँ देखने पड़ते हैं, तो ये कंडीशन लागू होती है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जब कुंडली में शनि अच्छा हो तो ऐसे इंसान को योग करना, योगाभ्यास करना उसकी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति दुनिया को पहचानने वाला होता है जब भी राहु खाना नंबर 12 में होता है। जब कुंडली में मंगल नेक होके राहु के साथ में बैठ जाए तो ऐसे इंसान को हर तरफ के सुख नसीब होते हैं, क्योंकि अब राहु चुप होगा लेकिन गुम ना होगा।
मंगल नेक होकर राहु के साथ बैठ गया तो राहु चुप हो जाएगा, गुम ना होगा, लेकिन उसकी शरारतों से बचाव होता रहेगा। अब मंदे असर के बारे में बात करते हैं। जब भी खाना नंबर 12 में राहु मंदे असर का होगा तो ऐसे इंसान की रात की नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है। ऐसा इंसान देर रात तक जगने वाला होता है और उसकी जो नींद होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। खाना नंबर 12 में जब भी खराब असर का राहु हुआ तो ये मन को विचलित करके एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस दे देता है, क्योंकि खाना नंबर मंदे राहु वाले के इंसान का टेवे में कहीं ना कहीं चंद्र भी उसका ख़राब मिलेगा। जब भी राहु 12 में मंदा हो जाए तो उसका चंद्र भी उस कुंडली में कहीं ना कहीं डैमेज मिलेगा या डैमेज हो जाया करता है अक्सर राहु की महादशा के समय में, क्योंकि राहु की महादशा में मार ही इतनी पड़ती है कि चंद्र कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, विचलित हो जाया करता है। इसलिए राहु 12 मंदा वाला जो है वो इंसान हद से ज़्यादा परेशान मिलेगा। राहु 12 में जब भी मंदा होगा तब इंसान के ऊपर आरोप बहुत लगता है, चोरी के हैं, गबन के हैं, बेबुनियाद आरोप होते हैं, उसकी गलती नहीं होती है, वो बेकसूर होता है, फिर भी उसके ऊपर आरोप लगते हैं, नाहक तोहमत लगती है उसके ऊपर, उसका मतलब उसका कोई रोल नहीं होता लेकिन फिर भी उसका नाम उठता है, उसके ऊपर उंगली उठती है। फालतू खर्चों में राहु 12 के वक्त बहुत पैसा बर्बाद होता है। और राहु खाना नंबर 12 में उड़ता धुआं, आसमान में उड़ता कड़वा धुआं, जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है पर अंत में हाल वही होता है, रात को भी वो सो नहीं पाता और अंत में जो है वो राहु है तो कड़वा धुआं, उसी तरह से उसको हासिल कुछ नहीं हो पाता, थोड़े समय के लिए भले उसको दिखता है लेकिन अंत में वो कड़वा धुआं की तरह ही रहता। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब शनि कुंडली में खराब हो तब राहु ऐसा खराब करेगा जैसे जिस कदर खराब करे, मतलब जब शनि मंदा हो कुंडली में तो राहु की खराबी इस तरह से देखी जाएगी कि जिस अंग से वो संन्यास की घोषणा करेगा वही अंग मंदा हो जाएगा, मतलब जहाँ से उसका वैराग जगता है, वैराग भाव जगता है, वही अंग मंदा हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे राहु 12 में हट या जिद नहीं करनी चाहिए, राहु 12 जो है वो हट है, जिद है, तो राहु 12 के समय में जिद इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जिद करता है, मान लीजिए उसने आँखों से जिद की तो उसकी, और आँखों से जिद करके अगर वो संन्यास ढूंढने निकला तो उसकी आँखें ख़राब, बाकी उसका जिस्म दुरुस्त रहेगा लेकिन आंखें ख़राब हो जाती। ये राहु 12 के बारे में मंदे वक्त में बोला जाता है। उसी तरह अगर दिमाग से ज़िद करे, मतलब हट करे, ज़िद करे तो दिमाग से ज़िद करे तो पागल हो जाए, बाकी उसका जिस्म जो है वो मोटा तंदुरुस्त रहे, बाकी उसके शरीर पे कोई आँच नहीं आएगी, मतलब जिस अंग से सोचे वही अंग मंदा हो जाया करता है राहु 12 के समय में। अगर वहाँ इंसान हट से सोचता है अपनी, मतलब हट ज़्यादा करता है उसमें, तो ये राहु 12 मंदेपन की निशानी। इसलिए राहु 12 में प्रिकॉशन में कहा जाता है कि इंसान को हट नहीं पालनी चाहिए ज़्यादा, मतलब हटीला नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हट इसलिए नहीं पालनी चाहिए कि राहु है तो आखिर में कड़वा धुआं, ये दिखाता बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है सिर्फ वहम के अलावा। राहु 12 मंदे वक्त के साथ राहु के साथ उसके दुश्मन बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो ऐसा इंसान दूसरों को जलिस होके कोई ऐसी शरारत करता है कि बाद में वो बदनामी उसके खुद के पाले पड़ती। ये राहु 12 के बारे में है। राहु 12 इंसान को ऐसे खर्चों की तरफ धकेलता है, ऐसी बीमारियों की तरफ धकेलता है जो डायग्नोस नहीं हो पाते, मतलब उसके चलते रहते हैं बीमारियां जो नज़र नहीं आती, उसको लगता है मैं बीमार हूं लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, जो नज़र नहीं आती, डायग्नोस नहीं हो पाती। राहु 12 मंदे वक्त की तरफ इंसान नशे की तरफ प्रवृत्त होता है, और उसके या तो वो नशे की तरफ प्रवृत्त होगा या उसकी अगर राहु की महादशा है, मंदी महादशा चल रही, तो या तो वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा नशा करने की तरफ उसका सोच चला जाएगा या वो उस तरफ मूव करेगा,
या अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो नशा करने वाला इंसान ना हुआ तो नशे में तो वो फिर भी रहेगा, चाहे उसे एंजाइटी या डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़े, क्योंकि ये चीज़ें राहु कहीं ना कहीं अपनी महादशा में चंद्र को डैमेज करके, अपने मन को विचलित करके वो अपना एरिया बना देता है। तो ये चीज़ें तो होनी ही है कि वो नींद की चीज़ें चलेगी, उसके एंजाइटी है या जो नींद का कंटेंट होता है, डिप्रेशन की टैबलेट्स होती हैं, वो उसके चलनी शुरू हो जाती है राहु की महादशा, अगर मंदी महादशा है तो। क्योंकि राहु जो है वो अवरोध है, रुकावट है, किसी भी काम को रोक देना या अड़चन डाल देना, ये राहु है। कैरियर में, विवाह में या मैरिड लाइफ में एस्टैब्लिश नहीं होने देना, राहु बारह मंदे की निशानी है। राहु अपनी मंदी महादशा में सिर्फ, जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ कड़वे धुएं में रखता, होता कुछ नहीं है, सिर्फ धुआं जो दम घोंटता। राहु मंदे वक्त इंसान को दर्द निवारक इंजेक्शन बहुत लगता। ये राहु बारह में एक है कि उसको दर्द निवारक टीका जो है वो राहु है, तो उसको इस समय में बहुत दर्द के टीके लगते हैं। और इसके अलावा राहु बारह के मंदे वक्त में उसके मतलब पता कैसे चलता है कि ऐसा इंसान गंदे में रहने का आदि होगा, मतलब जैसा उसका कमरा जो होगा वो बहुत अस्त व्यस्त रखने का आदि होगा, गंदा रखने का आदि होगा, गंदे बिस्तरों का प्रयोग, गंदी बेडशीट का प्रयोग करना, गंदे कपड़े पहनना, डेली बेसिस पे ना नहाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि राहु गंदगी कचरा है, कबाड़ है और कूड़ा करकट है, तो यही चीज़ें राहु को पसंद है और मंदी दशाओं में यही चीज़ अमूमन होती है। और क्योंकि राहु जो है वो असुर प्रवृत्ति है और इसी राहु को नीच का राहु माना गया, तो राहु पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों के मैंने बारे में आपको बताया। अब चर्चा करते हैं कि इसके उपाय जो जनरली क्या होने चाहिए, कि अगर राहु की मंदी महादशा चल रही है तो इसमें काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हो जाया करती हैं, तो इस उपाय में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो करें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। रात को सोते समय एक लाल सूती कपड़े की चौकोर थैली बना लें और उसमें 250 ग्राम सौंफ भर के लाल धागे से सिलाई करके मंगलवार के दिन सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, जिस दिन चौथ नवमी चौदस ना हो, अपने तकिए के सिरहाने रख दें। मतलब मंगलवार के दिन एक लाल सूती कपड़े की चौकोर थैली बना लें, 250 ग्राम उसमें हरी सौंफ भर दें और उसको लाल सूती धागे से, लाल धागे से सिलाई करके अपने सोने वाले तकिए में उस पोटली को डाल दें और हमेशा वही तकिया प्रयोग किया करें। क्योंकि मंगल की आशियां जो होती है, सौंफ जो है मंगल की आशी, लाल सूती कपड़ा जो लाल सूती रंग है वो मंगल का प्रतीक, तो यहाँ राहु को मंगल की मदद से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि राहु का बहुत एंटी प्लैनेट है मंगल, तो मंगल ही इस राहु बारह को दबा सकता है। या तो मंगल नेक होके खाना नंबर 12 में बैठ जाए तब राहु दब जाता है, या फिर उसको खाना नंबर 12 जो है, जो शयन कक्ष है वो हमारा खाना नंबर 12 है, जो सोने का कमरा है वो खाना नंबर 12 है। जब खाना नंबर 12 में हम मंगल की आशियाँ स्थापित करते हैं, मंगल की चीज़ें स्थापित करते हैं, तो उससे क्या होता है कि राहु अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है। इसलिए खाना नंबर 12 में इस उपाय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमेशा आप जहाँ खाना पके वहाँ बैठ के खाना खाएं, जब आपका चूल्हा जल रहा हो, चूल्हे पे कुछ ना कुछ पक रहा हो या कुछ हो रहा, मतलब दूध गर्म हो रहा हो या पानी गर्म हो रहा हो, उस समय आप खाना खाएं। उसका लॉजिक ये है कि जब मंगल पूरे अपने शबाब पे होगा ना, जो आग होती है वो मंगल है, मंगल जब अपने पूरे शबाब पे होता उस समय आप जब भोजन करते हैं तो उस समय राहु को कंट्रोल करना बहुत ही इजी होता है। इसके अलावा एक राहु बारह की, ये दो चमत्कारिक रेमेडी बताई, एक चमत्कारिक रेमेडी मैं और बताता हूँ, बहुत ही तबीयत की रेमेडी है ये, कि 48 दिन 3 केले धर्मस्थान में देते हैं। इसमें केतु को आप बृहस्पति के हवाले कर दें, तो ये केतु 6 का भी उपाय है, केतु 12 का उपाय है, राहु 12 का भी उपाय है। 48 दिन 3 केले धर्मस्थान में दे दें, इससे राहु केतु दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब लाल किताब का एक उसूल है कि जब भी आपको राहु को पॉजिटिव करना हो आप केतु को पॉजिटिव करो,
और जब केतु मंदा हो तो आप राहु को पॉजिटिव करो, तो मतलब एंटी रेमेडीज से आप प्लेनेट को सही कर सकते हैं। राहु के लिए केतु का उपाय कर दो, केतु के लिए राहु का उपाय कर दो। तो 48 दिन तीन केले धर्म स्थान में रख दें, गुरुवार से शुरू करें, जिस दिन चौथ नवमी चौदस ना हो। फर्स्ट दिन ऐसा चुने जिस दिन सूरज की प्रॉपर रोशनी आ रही हो, उसके बाद रोशनी का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, दिन को बारिश हो जाती है या बादल छाए होते हैं, तो उस समय शनि के टाइम में रेमेडी करने की मनाही रहती है। लेकिन फर्स्ट डे जिस दिन आप शुरू करें, उस दिन सूर्योदय के बाद शुरू करें, 48 दिन ही सूर्योदय के बाद शुरू करें, सूर्यास्त से पहले उसे ख़त्म करें, और इसके दरमियान करें, इस बीच में आप करें। और शनि का टाइम पहले दिन देख लें कि सूर्य की रोशनी हो, उसके बाद अगले 47 दिन हैं उसमें अगर सूर्य की उतनी प्रॉपर रोशनी नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो उपाय माना जाएगा। तो ये 48 दिन तीन केले धर्म स्थान में देने वाले बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देने वाली रेमेडी है। साथ ही जो ऊपर जो रेमेडीज़ बताई थी वो भी बहुत ही सटीक और करामती रेमेडी है। आप राहु की दशाओं से जितना जूझ रहे हैं उसको रोकने में इन रेमेडी से आपको बहुत ही हद से ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप माता सरस्वती के आगे कभी कभी 12 फूल नीले फूल चढ़ा दिया कर। नीला फूल जो है वो राहु है और माता सरस्वती आराध्या देवी है राहु की, तो राहु उनके चरणों में जाते ही शांत हो जाता है। तो 12 नीले फूल आप माता सरस्वती के आगे चढ़ा दिया करें, उससे भी राहु को कंट्रोल करने में बहुत हद से ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा एक रेमेडी और मैं बताता हूँ, बहुत शानदार रेमेडी है ये, कि 120 ग्राम चांदी का ठोंस हाथी अपने घर में रखें, कायम करें उसको, यानी राहु को चांदी से कंट्रोल करें। इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। 120 ग्राम चांदी का ठोस हाथी अपने घर में उत्तर दिशा में कायम करें, चांदी की कटोरी में गंगा जल डाल के, तो उसका डिटेल वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि राहु 12 की जो फलादेश है, परहेजदारियाँ हैं और उपाय के बारे में आप सेटिस्फाइड होंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।